बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं दुआ कुकिंग में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआ कुकिंग। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे, घर में सेफ होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ इमान में होंगे। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ चीज़ी कटलस, स्पिंच चीज़ी कटलस मैं बना रही हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और आज के कटलस जो है हम जो बनाएंगे वो पालक के साथ बनाएंगे। पालक के चीज़ी कबाब हैं ये। और सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत, चलते हैं अपनी रेसिपी के आगाज़ की तरफ। हमें चाहिए आधा किलो ये आलू हैं जो मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिए थे ताकि ठंडे होकर ज़रा इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। इसके साथ मुझे चाहिए पालक को मैंने बारीक बारीक काट कर ग्राइंड कर लिया था चॉपर में, जैसे चॉप करते हैं। पानी नहीं डालना कुछ, नहीं चॉप किया हुआ ये पालक है। उसके साथ मुझे ये चाहिए मज़रेला और चैडर चीज़ है जो मैंने ग्रेट कर ली है। इसके साथ मुझे चाहिए एक शिमला मिर्च जो मैंने बारीक बारीक काट ली है, 4 से 5 हरी मिर्चें जो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं और आधी गड्ढी हरे धनिए की हैं। मसालों में मुझे चाहिए 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च और 1/4 चम्मच मुझे चाहिए हल्दी कलर के लिए और ये पिसा धनिया 1 चम्मच और साथ में मुझे चाहिए सोया सॉस है। ये चिली सॉस है, 2 टेस्ट मैं यूज़ करूँगी। सब चीज़ें हमारी तैयार है, सिर्फ हमने मिक्सिंग करनी है व्यूअर्स और उसके बाद हमने कटलस फ्राई करने हैं। जो हमने कटलस फ्राई करने हैं वो हमने शैलो फ्राई करनी है, डीप फ्राई नहीं करने। चलते अपनी मिक्सिंग की तरफ। सबसे पहले हम इन आलुओं को मिक्स करेंगे, मैश करेंगे मैशर के साथ। जी हमारे जो आलू वो मैश हो चुके हैं अच्छी तरह, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पालक स्पिंच, सारी पालक डाल दूँगी, साबुत धनिया ज़ीरा डाल दूँगी, हरा धनिया डाल दूँगी, साथ में शिमला मिर्च डाल दूँगी, साथ में व्यूअर्स मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी और ये तमाम मसाले नमक मिर्च हल्दी। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, मिक्स करके इसके मैं कटलेट्स बनाऊँगी और कटलेट्स के अंदर जो है ना व्यूअर्स मैं फिलिंग करूँगी चैटर चीज़ और मज़रेला चीज़ के। उसमें साथ में थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस का मैं टच दूँगी। व्यूअर्स 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड की। अब ये मैं डालूँगी थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ी चिली सॉस, बस इतना सा हम डालेंगे ताकि इसका हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मैं इसके कटलेट्स बनाकर फिलिंग करके चैडर चीज़ की फिर मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। चलते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। जी व्यूअर्स ये मैंने मिक्स कर लिए हैं आलू और तमाम मसाले और पालक। अब मैं इसके कटलेट्स बनाऊँगी। सबसे पहले मैं छोटा सा इसका आलू के मिक्सचर का बॉल टाइप का पेड़ा बनाऊँगी। इसके अंदर मैं फिलिंग करूँगी मोज़रेला और चैडर चीज़ की। अब इसको मैं करूँगी फिलिंग बंद। व्यूअर्स अगर बंद ना तो इसको थोड़ा सा हम मेथड और लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये हमारा कटलेट्स तैयार हो गया है। इसी तरह मैं 1 बाय 1 सारे बना लूँगी फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। आज हम बिना एग के फ्राई करेंगे, विदाउट एग क्रम्स के बगैर। व्यूअर्स हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं, चिकन चीज़ी कटलेट्स। अब मैं इसको करूँगी फ्राई। चलो फ्राई भी मैंने फ्राई पैन में डाल दिया, गर्म और अब चलते अपने फ्राइंग की तरफ। ये हमारा जो है गर्म हो चुका है। एक साइड से ये हो चुके हैं, मैं इसको डन करूँगी। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे स्पिंच चीज़ी कटलेट्स रेडी हो चुके हैं, पालक के चीज़ी कबाब और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, आप ये देखें। और मैंने इसकी सर्विंग की है मेयोनीज और केचप के साथ। आज की डिश अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआ कुकिंग में दुआ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।